हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हो आप? मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, भले चंगे होंगे, अच्छे से होंगे। और अभी देखिए मॉर्निंग का समय हो रहा है और दिन है ना ट्यूसडे यानी कि मंगलवार है और तारीख है आज 5 अक्टूबर है। तो आज धूप बहुत अच्छा निकला था, तो मतलब अभी मॉर्निंग का ही समय हो रहा है तो धूप उतना नहीं, पर लग रहा था कि धूप जो है अच्छा निकलेगा। तो मैं जल्दी जल्दी गेहूँ भी धो लेती हूँ क्योंकि कोई ठीक नहीं है ना मौसम का कि कब बारिश हो जाएगा कब धूप होगा। तो इसीलिए मैं जल्दी से गेहूँ आज मैंने निकाल लिया था, तो मैं सोची कि आज धो देती हूँ। तो अभी सारे गेहूँ जो है मैंने धुल दिए हैं और अभी सुबह के ना मुझे लग रहा है 6:30 हो रहे थे, 6:30 से ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था। तो मैं सारे गेहूँ को अच्छी तरीके से फैला दूँगी, तो मैं थोड़ा गेहूं को पतला ही फैला लूँगी क्योंकि मोटा फैलाऊँगी तो गेहूं सूखेगा नहीं, फिर मौसम कैसा रहा कैसा नहीं रहा पता ही नहीं चलता है। तो इसलिए देखिए मैंने गेहूं को बिल्कुल पतला फैला लिया है। फिर मैं नहा के किचन में आ गई थी और अभी देखिए तेल गर्म हो जाने पर मैंने जीरा और सूखा लाल मिर्च डाल दिया है, फिर ये कश्मीरी लाल मिर्च मैंने डाल दिया और ये मसाले हैं लहसुन प्याज और हरी मिर्च, ये सब का मैंने पेस्ट तैयार कर लिया था। अभी मैंने तड़का इस तरह से इसलिए लगाया ना क्योंकि जो इसमें से तेल उड़ता है ना वो सारा डब्बा ख़राब कर देता है, तो इसलिए मैंने प्लेट से कवर कर दिया था। और अभी देखिए इस मैं मिक्स कर लेती हूँ इसे अच्छे से और अभी मैं इसमें सिर्फ हल्दी पाउडर डालूँगी, बाकी मसाले मैं बाद में डालूँगी और इसे मैं अच्छी तरीके से चला चला कर भून लूँगी जब तक कि ये मसाले जो है ना ये तेल ना छोड़ दें। तो अभी देखिए फ्रेंड्स मसालों ने तेल छोड़ दिया है और बहुत अच्छा स्मेल भी आ रहा था। तो अभी मैं इसमें गरम मसाला डाल दूंगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स ये गरम मसाला है और ये बड़े चम्मच से 1.5 चम्मच है, तो इसे मैं अच्छी तरीके से भून लूँगी। और मैंने खड़ी मसूर को उबाल के पहले से ही रख लिया था, 3-4 सीटी लगाई थी, तो अभी मैं उसे इसमें डाल दूंगी और अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। फ्रेंड्स ये रेसिपी बहुत ही टेस्टी लगती है, आप इसे ट्राई ज़रूर करिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसी लगी, या आप इस रेसिपी को किसी दूसरे तरीके से बनाते होंगे तो वो भी मुझसे शेयर करिएगा। तो अभी चलिए देखिए मैंने सारी जो दाल है उबली हुई उसे मैंने इसमें डाल दिया है और इसे अच्छी तरीके से चला के मतलब हाई फ्लेम पे ही छोड़ दूंगी। और मैंने फ्रेंड्स इसमें हींग भी डाली है लास्ट में, मैं वो आपको नहीं दिखा पाई। तो अभी देखिए कितना अच्छा इसमें उबाल आ रहा है और बस 5 से 7 मिनट बस और इसे पकाऊँगी। फिर ये देखिए मैंने लास्ट में हरी धनिया की पत्ती इसमें डाल दिया है, थोड़ा सा था तो मैंने डाल दिया। अब सब्जी रेडी है और यहाँ पे देखिए आलू का बैटर भी रेडी है, तो चलिए अब बना लेते हैं आलू का पराठा। और फ्रेंड्स आलू के पराठे की रेसिपी मैंने पहले से ही डाल रखी है, तो आप मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से जाके चेकआउट कर लीजिएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स पराठा भी जो है वो बन रहा है और हमारे सामने वाली भाभी है ना उनका बच्चा, सामने वाली भाभी हैं वो ब्राह्मण हैं तो मैं उनके बच्चे को ही खाना खिला देती हूँ। तो अभी देखिए पराठा निकलता जाएगा और मैं दिव्यांश को खिलाती जाऊँगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छा पराठा भी बहुत टेस्टी बना था और ये देखिए करारे करारे लाल लाल एकदम बिल्कुल मस्त लग रहा है देखने में ही और मुँह में तो पानी ऐसे ही आ गया देखते ही। तो फ्रेंड्स अभी देखिए पराठा भी जो है ये फर्स्ट पराठा है, इसे मैं नहीं दूँगी, 2-3 पराठा जब बना लूँगी ना तब मैं खाना निकाल दूंगी उसका। तो अभी दिव्यांश खाना खाने बैठ गया है। फिर बारी बारी से मैंने रुपेश और छवि को भी दे दिया था, तो अभी सब बच्चे जो है वो जब खाना खाकर उठेंगे ना तो फिर मैं हस्बैंड को भी दे दी थी खाना और मैंने भी खा लिया था। और फिर मैंने बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया क्योंकि बच्चे इस समय बिल्कुल पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, जब से मतलब कोरोना आया है ना तब से स्कूल भी नहीं चल रहा है। ऐसे तो बच्चे कम से कम स्कूल जाते थे, कुछ होमवर्क मिलते थे, कुछ पढ़ाई होती थी और घर पे रहने पे बच्चे इतना मतलब फोकस नहीं कर रहे हैं पढ़ाई पर। तो अभी देखिए 12:30 बजने वाला है और अभी मैं बच्चों को 1-2 घंटा और पढ़ा लेती हूँ फिर। तो फ्रेंड्स अभी मैं छत पर आ गई हूँ, गेहूँ भी सूख गया है तो अभी मैं गेहूं को उठा कर रख लूँगी। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स मैंने अभी जो दिन का काम होता है दोपहर तक का वो सारा काम कर लिया है और अभी मैं बच्चों को पढ़ा रही हूँ। जब बच्चों को पढ़ा लूँगी तो फिर उसके बाद से मैं वीडियो जो है उसे एडिट करूँगी। और कल मैं ना अपने वीडियो में कुछ ज़्यादा बोल गई थी पर मुझे नहीं लग रहा कि मैंने कुछ गलत बोला है,
और फ्रेंड्स आप लोग ना इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हो पर आप लोग लाइक नहीं करते हो। और मैं ना जिसके भी चैनल पे जाती हूँ, जिसका भी वीडियो देखती हूँ ना, उसे मैं लाइक कर देती हूँ। मैंने कभी किसी के मतलब वीडियो को डिसलाइक नहीं किया है। तो फ्रेंड्स प्लीज़ जैसे आप प्यारे प्यारे कमेंट करते हो वैसे प्यारे प्यारे लाइक भी दे दिया करो, ताकि आप जानते हो ना एक लाइक मिलने से हमें कितने हम मोटिवेट हो जाते हैं और हमें नहीं पूरा कर लो फिर जाओ, नहीं करना पड़ेगा पूरा। छवि ना बोल रही है कि मम्मी मैं पूरा कर लूँ कि आधा करूँ, तो वही मैं बोल रही हूँ नहीं पूरा करके जाना होगा, क्योंकि उन लोग का पढ़ाई ना बहुत ज़्यादा मतलब छवि बहुत ज़्यादा वीक हो गई है और बहुत ज़्यादा पढ़ाई छूट भी गया, मैं भी उतना केयर नहीं कर पा रही थी। तो फ्रेंड्स मैं आप लोग के साथ जैसी रहती हूँ, जिस हालत में रहती हूँ, जैसा मतलब घर रहता है, जिस पोजिशन में, मैं वहीं से कैमरा उठाती हूँ तो वही चीज़ दिखाती हूँ। ऐसा नहीं है कि पहले मैं खुद तैयार हो जाऊँ या कपड़े चेंज कर लूँ या क्या कहते हैं कि घर को क्लीन करके मैं वीडियो शूट करूँ, तो ऐसा नहीं है। मैं जैसी रहती हूँ, जैसा घर रहता है मेरा, उसी तरह का मैं वीडियो शूट कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक कर दीजिएगा, साथ ही मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो उसे सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मैं जो भी न्यू वीडियो अपलोड करूँगी ना उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो अभी मैं मतलब ज़्यादा बातें नहीं करती हूँ, क्योंकि बातें बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती हैं, वीडियो भी बहुत लंबा हो जाता है। कहना तो बहुत कुछ रहता है आप लोग से कि कितनी ढेर सारी बातें आप लोग से मतलब कर लूँ, बट समय देखना पड़ता है ना कि ज़्यादा लंबा वीडियो ना हो, वरना आप ही लोग नहीं वाच करोगे। तो प्लीज़ फ्रेंड मेरे वीडियो को फुल वाच किया करिए। अगर मुझसे कोई गलती हो रही हो या कोई चीज़ सजेस्ट करना हो तो मुझे बिल्कुल आप कमेंट में कर सकते हैं, ताकि मैं उन गलतियों को दोबारा ना करूं और आगे से मैं अपनी गलतियों को सुधार के वीडियो में सुधार के कम से कम वीडियो को वीडियो में वो गलतियाँ आपको ना दिखें। तो फ्रेंड्स 3 मिनट का वीडियो होने वाला है, तो बाय बाय फ्रेंड्स।